बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलबाज़ है। मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान खुसूसन वादी हुंजा से है। मैं इलाकाई रबाब यानी जिसे हम हुंजाई रबाब या ताजिक रबाब बोलते हैं, इसको मैं बजाता भी हूँ और बनाता भी हूँ और सिखाता भी हूँ। इसकी तारीख तकरीबन 1000 साल पुरानी है और ये सेंट्रल एशिया से हमारे वादी हुंजा में आया हुआ है। तो इसमें यह है कि सेंट्रल एशिया का एक बहुत बड़ा जो आलिम एक वली हो गुज़रे हैं जिसका नाम पीर नासिर खसरौ बदख्शान के वो रहने वाले थे, तो उनके फॉलोवर्स ये बजाते हैं और ज़्यादातर आरिफाना कलाम वग़ैरह पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज मैं आपको अपना हुंजाई रबाब बजाने का वो तरीक़ा छोटा सा एक टिप मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले ये है कि इसमें दो दो तारें लगी होती है, ज़ीर बम और इंतहाई ज़ीर वग़ैरह। ये तीन दो तारें डबल डबल लगी होती है, जिस तरह पेशावरी जो या अफ़गानी रबाब में एक एक तारें सिंगल सिंगल तार होती हैं, इसी तरह हमारे इसमें सुर तो वही है लेकिन तारें डबल डबल, दो तारें डबल लगी होती है। एक जो बम तारें जो मोटी तार है वो एक ही होती है, और उसके बाद ऊपर वाली जो 7 स्केल का जो तार है, हाथ यहाँ लाने की बजाय हम ऊपर ये बजाते हैं, ठीक है। ये लास्ट वाली जो 9th फ्रिट के लिए जो हमने लगाया है, इसका सिंगल होता है। टोटल ये 8 तारें होती हैं हमारे इस रबाब में, ताजिक रबाब में। बाकी इसका साउंड बक्स है, किसी ताजिक रबाब या हुंजाई रबाब का साउंड बक्स छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, जिस तरह स्मॉल मीडियम और लार्ज होता है, इसी तरह ये तकरीबन लार्ज साइज़ का है। और ये साउंड बक्स ऊपर ये लेदर स्किन लगा हुआ, और इसका जो ब्रिज है वो सींग का, गाय या बैल का जो वो सींग होती है उससे हम बनाते हैं। और इसका जो पेग्स है जिसे हम बटन या इसके जो ना वो ज़्यादातर अपने ज़बान में इसके इसको कोई और नाम से हम वो कर लेते हैं, तो ये ऊपर वाला ये स्क्रू और ये ब्रिज, इसका जो हेड है जिसमें हम ये पेग्स वगैरह लगाते हैं ये है। ये सबसे अच्छा जो ना रबाब शहतूत की लकड़ी से बनाते हैं, उसको काट के लकड़ी गीली होती है तो उसी टाइम पे थोड़ा थोड़ा जो ना इसको अंदर से निकाल के इसके मटेरियल जो है ना वो निकाल के फिर इसको इसी तरह शेप दिया जाता है। फिर ये मुकम्मल सूखने के बाद फिर इसको ऊपर चमड़ा लगा के बड़ी मेहनत से तकरीबन 1.5 से 2 महीना लग जाता है इसको सही तरह जो ना बनाने में। बाकी ट्यूनिंग है, मैंने इसकी ट्यूनिंग बी स्केल बी पे किया है, और इसके दरमियान वाले ई पे होंगे और शुरू वाले ए पे होंगे, और सबसे ऊपर वाले जो दो तारे हैं वो E4 पे होंगे, और उसके बाद 9वां जो स्केल के लिए हम लगाते हैं वो F# होगा। तो इसी तरह ये तारें लगी हैं, और उसके बाद साइड पे जो सिंथेटिक तारें हैं इसका जो ना हमने इजाफा किया है, पहले ये नहीं होते थे, इसकी आवाज़ में थोड़ी सी जो ना जिद्दत और गूंज के लिए इको के लिए थोड़ा हमने ये इजाफा किया है। और ट्यूनिंग जिस तरह शवरी रबाब का होता है वही स्केल इसमें भी होता है, सिर्फ थोड़ा अपने वोकल के हिसाब से हम इसको ट्यून करते हैं। तो ये
पहले बी पे था, अभी मैंने सी पे किया हुआ, इसको ट्यून किया। कोई नया बिगिनर आ जाता है तो हम उसको सिर्फ इस जो हाथ से पिग से बजाना सिखाते हैं ताकि उसको थोड़ा सा यूज़ टू हो जाए। जैसा कि उसके बाद फिर एक एक वो फिंगर टच करके फिर वो वही दुजरबा। इसी तरह फिर वो अगर कोई एक ट्यून सीखना चाहे तो बहुत ही आसानी से हम जैसा कि मैं अपने स्टूडेंट को इसी तरह सिखा लेता हूँ। उसके बाद इसको हमारे मुकामी लोग बहुत कम लोग इसको बनाते हैं, या तो कुछ लोग ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुके हैं बनाने वाले, तो इसलिए अभी मैंने ख़ुद भी इसको बनाना शुरू किया है और जो जो मेरे हाथ में ये रबाब है ये मैंने ख़ुद बनाया है। तो और ये इसकी कीमत थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तकरीबन 2 महीने में जो ना अगर फुल मेहनत करे तो 1.5 से 2 महीना लग जाता है, तो इसमें 30, 35, 40 तक आ जाता है ये रबाब। अगर कोई ताजिक या हुंजाई रबाब ख़रीदना चाहता है तो हाल ही में मैंने अपना वर्कशॉप का इफ्तिताह किया है जिसका नाम माउंटेन म्यूज़िक हाउस के नाम से रखा हुआ है, हुंजा अलीबाद में है। Oh,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हेरिटेज लाइव यूट्यूब चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और मेरे जैसे दूसरे फ़नकारों के जो वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।